हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.7 एंड द क्वेश्चन सेज थ्री टैंकर्स कंटेन्स 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द थ्री कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि तीन टैंकर हैं, एक में 403 लीटर आता है, एक में 434 आता है और एक में 465 लीटर आता है। हमें एक कंटेनर बनाना है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम दे रखी है, इसका मतलब हमें पता है HCF निकालने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट कैन मेजर द डीजल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब वो जितनी बार भी इन्हें मेजर करेगा, तो ऐसा नहीं कि हाफ मेजर कर लिया, फुल ही करना चाहिए और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए। तो क्योंकि मैक्सिमम दे रखा है तो हमें पता है कि इन तीनों को वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और क्योंकि मैक्सिमम है इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, दैट इज HCF। तो हम पहले 403 का निकालेंगे फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर 3 है। फिर हमें पता है ये 3 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि 4 + 3 = 7 होता है, 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। देन हमें पता है अगला प्राइम फैक्टर होता है 5 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि 1 प्लेस पे ना 0 है ना 5 है। देन उसके बाद हमारा पता है 7 से भी नहीं जा रहा ये, क्योंकि 7 5 जो 35 होता है, यहाँ से 5 गया 53 7 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी 7 से भी नहीं जा रहा। देन 7 के बाद सीधा 11 इसमें क्या होता है, 11 का रूल कहते हैं सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट। तो 3 + 4 = 7 - 0 = 7 एंड 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, तो 11 से भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट हमारा प्राइम फैक्टर हो गया 13, तो हम 13 से और चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर हम 13 से चेक करें 403 को, तो 13 थ्री जो होता है 39, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से गया 13 तो हमारा 13 और यहाँ पे 31 आ गया। 31 खुद एक प्राइम फैक्टर होता है, तो 31 1 = 1। देन उसके बाद 434 को हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर से। तो क्योंकि 2 से जाएगा, 2 2 = 4 2 1 = 2 यहाँ पे कैरी है 14 बन गया 217 राइट। देन उसके बाद ये 3 से नहीं जा रहा, देन उसके बाद क्योंकि 7 + 2 9 + 1 = 10 सम ऑफ डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 5 से भी नहीं जाएगा। देन 7 से चेक करते हैं 7 3 = 21 + 1 अगेन 31 इज अ प्राइम फैक्टर, 1 से गया। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करते 465, ऑब्वियसली 2 से नहीं जा रहा है, इसे 3 से चेक करते हैं 4 + 5 = 9 9 + 3 = 15 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से जा रहा होगा। 3 1 = 3 यहाँ पे 16 हुआ, 3 5 = 15 होता है, ये कैरी होके 1 इधर गया, 15 बन गया, फिर 5 गया। देन अब हमें पता है ये 3 से नहीं जा रहा, देन 5 से चेक करते हैं 5 3 = 15 और 5 1 = 5 1 दैट इज़ 31। तो अब हम 403 को लिख सकते हैं 13 × 31 राइट। 434 को लिख सकते हैं 2 × 7 × 31 और 465 को लिख सकते हैं 3 × 5 × 31। तो यहाँ पे फैक्टर्स हैं 2 7 3 5 31 एंड 13, बट एक ही फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है और एक टाइम आ रहा है, तो है 31। तो HCF होगा 31। इसका मतलब हो गया हमें कि 31 इज द 31 लीटर इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर that can measure
The diesel of the three containers. The diesel of the three containers. Exact number of times. आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने एच सी एफ क्यों लिया था. पहली बात क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इसको मेजर कर रहा है तो इसके फैक्टर होगा 100% इन तीनों का. और क्योंकि मैक्सिमम लेना था तो इसलिए हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है. ओके और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट. सो एंड ऑल्सो देयर इज़ अ बेल आइकन, प्लीज़ क्लिक ऑन इट सो दैट कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिले.